We all know the current problem with Delhi. क्या? Rape? नहीं. तो kidnapping या murder? नहीं. अच्छा, political लगता है. News पढ़ाकर racist साला. It's pollution. Pollution शायद आज की date की सबसे बड़ी problem है. लेकिन सबसे ज़्यादा ignored भी. अगर pollution सबसे बड़ी problem है, तो इसे ignore क्यों करते हैं? कुछ भी है भाई. KRK ने suicide commit नहीं किया, वो बहुत बड़ी problem है. अरे वो छोड़, उससे भी बड़ी problem है कि राखी सावंत का Instagram account hack हो गया है. अरे अरे, तो उससे भी बड़ी problem है. उस पर बाद में बात करते हैं. पहले let's see our condition of pollution. अगर आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली में pollution level ज़्यादा है, तो हो सकता है तुम गलत हो. Cities like Jaipur, Muzaffarpur, Patna have equally or maybe more high alarming rates of pollution. But this is just the tip of the iceberg. These images are some news articles that tell you how big the pollution problem is. ऐसे articles तब क्यों नहीं आए जब इतने साल से pollution की problem बढ़ रही थी? गलती उनकी नहीं है. अरे भाई सुन ना, ये देख, Big Boss का season 25 आया है. बता. ये देख. सलमान ही है ना? हाँ ये देख ना सलमान. अरे वाह. हाँ रुक. अरे क्या है यार तुके? तो वैसे गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है. अरे भाई सुन ना, पद्मावती रिलीज हुआ, तुझे पता है कुछ उसके बारे में? पद्मावती बैन हुआ था. छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है. तुम ये बोल रहा था कि हाँ, देख भाई, लेटेस्ट न्यूज, टीपू सुल्तान का बर्थडे आ रहा है. ब्रो, टीपू सुल्तान इज डेड. व्हाट? हाँ यार, कुछ भी. लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है. मीडिया हमें वही चीज़ें दिखाता है जिसे हमें देखने में इंटरेस्ट है. अगर तब हमने इस प्रॉब्लम पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया होता, तो शायद इस प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो हम इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इसे? हाँ यार, वो भी है. अब इसका आंसर, अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो अब तक हमने इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया? क्यों हमारा एक्टिविज्म सिर्फ ऑनलाइन रह जाता है? हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देते हैं जो हमसे पर्सनली लिंक्ड हो. अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कोई पर्सनल नहीं समझता. पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो इस बिजी शेड्यूल में हम शायद ही पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं. अब तीसरी प्रॉब्लम, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स सीरियसली लेते हैं जो हमें अभी इफेक्ट कर रही है. अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन को लेकर हमारे सारे न्यूज आर्टिकल्स, सारी टेक्स्ट बुक्स, सभी इसको एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉब्लम बताते हैं. यार पोल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना यार. मुझे तो लगता है हमारे बच्चे ना सांस भी नहीं ले पाएंगे. अच्छा, हमारे बच्चे. अब एक और चीज़ है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है. ब्रो, तुझे ना स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए. 9 साल से पी रहा, 9 साल से. कुछ हुआ? भाई लंग कैंसर हो जाएगा. कुछ नहीं होता यार, ले तू भी ट्राई कर ले. नहीं चाहिए. अरे ले. नहीं नहीं, इट्स ओके. हमें हमेशा ये लगता है कि बुरी चीज़ें दूसरों के साथ होने वाली है. इस कंडीशन को हम ऑप्टिमिज्म बायस बोलते हैं. हम हमेशा खुद को दूसरों से कम एट रिस्क सोचते हैं. हमें कभी ये नहीं लगा कि पोल्यूशन से हमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. पोल्यूशन से अगर बीमारियां हो रही है, तो वो दूसरों को होती है. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, पोल्यूशन किल्स 5.5 मिलियन पीपल एवरी ईयर. दैट इज मोर देन ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म कंबाइंड. According to the Hindu, India tops the list of air pollutants with 1.81 million deaths per year. लेकिन अब जब प्रॉब्लम आ गई है, जब लोग बीमार पड़ रहे हैं, जब डेथ रेट बढ़ रहा है, क्या अभी हमें इस प्रॉब्लम को फ्यूचर ओरिएंटेड समझना चाहिए? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये भी है कि हम एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है.
हम लोग अर्बनाइजेशन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, हालांकि ये गलत नहीं है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें किस कीमत पर चाहिए। लेकिन ये सब तो सरकार कर रही है, और वैसे भी पॉल्यूशन तो सिर्फ फैक्ट्रीज करती है। ये बात भी है, और इसमें हम कर भी कह सकते हैं। हाँ ना यार, वही तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो जाने थे, वैसे तो कल तुझे ट्रैफिक लाइन ने पकड़ा था ना? पकड़ा तो था, फिर पीयूसी दिया कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बात भी है। सबसे पहले दो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। एक कि पोल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रीज और बड़े व्हीकल्स करते हैं, पोल्यूशन में हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और दूसरा कि पोल्यूशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम सच में बड़ी प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं जो आप इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल पर फॉलो कर सकते हो। अब कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस एंड सॉल्यूशंस प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू साइंस कृति। एंड एज मेंबर्स ऑफ साइंस कृति, हम सब ने अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दिया है टू कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। And as a viewer, we please request you to take steps and help us reduce the problem of pollution. Thank you.